अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 26 दिनों से लगातार राजीव गांधी युवा मित्र अपनी बहाली की मांग को लेकर लगातार सरकार के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार की तरफ से इनको इनकी बहाली के लिए कदम उठाया जाए। लगातार ये अभ्यर्थी पिछले 26 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 26 दिनों से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या वार्ता के लिए बुलाया गया? नहीं सर, अभी कोई आश्वासन नहीं आया अभी सरकार से। और सर, हमारे लिए जो आदेश निकाला था, एक काला आदेश, उससे हमारी सबकी जो जॉब थी उसको सरकार खा गई। हम बेरोजगार हो गए, अब हमारा घर कैसे चलाए हम? 26 दिनों से हम लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने सारे काम कर लिए, खून से पत्र लिख लिए, आमरण अनशन कर लिया, कृमि अनशन लगातार चल रहा है, फिर भी सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। जब तक हमारी मांगे नहीं होगी पूरी, जब तक हमको बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा। सर, आप कहाँ से? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट माधोपुर से हूँ, ब्लॉक बावन से हूँ। हमारा धरना बराबर चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हमारी मांगे पूरी लेकर जाएंगे। ऐसे ये तमाम अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 26 दिनों से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ महिला अभ्यर्थी भी मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 26 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन चल रहा है, किन किन समस्याओं से आपको प्रदर्शन के दौरान गुजरना पड़ रहा है? बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आज हमारा एक साथी भी हमें छोड़ के चला गया, और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस के, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। मैं मोदी जी की इतनी बड़ी फैन थी कि मैंने उन, मतलब मुझे ट्यूर मिले थे चंपारण का और कुरुक्षेत्र का, अहमदाबाद का, तो वो भी मैंने संभाल के रखे। मैं इतनी बड़ी फैन थी उनकी, फिर वो कांग्रेस का ठप्पा लगा कि हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ, बारिश आ जाती है कभी, छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, और कितनी दूर दूर से महिलाएँ आके बीमार हो रही हैं। महिलाएँ, मैं खुद बीमार हो गई थी, मैं घर गई, अभी आई हूँ मैं जस्ट, और आपको यकीन नहीं, तो मेरे बैग में फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने 5 साल तक स्वच्छ भारत मिशन में काम किया, तो मैं कांग्रेस की कैसे हो सकती हूँ? फिर भी मतलब सरकार महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, फिर भी महिलाओं की तरफ भी आँख उठा के नहीं देख रही है। आज 27 दिन हो गए, हमारा एक साथी हमें छोड़ के चला गया, सदमे, इतना गहरा सदमा लगा था उसको, दया नाम की चीज़ नहीं है सरकार के पास। हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमें बहाल करें, हमें हमारा रोजगार वापस दें, किसी भी हालत में हमें रोजगार चाहिए, हम लेके रहेंगे रोजगार, हम परेशान हो जाएंगे, एक तो चला गया सारे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार तो लेके रहेंगे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी पिछले 26 दिनों से अपनी बहाली की मांग को लेकर लगातार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं, किस मांग को लेकर लगातार आपका प्रदर्शन जाए? मेरा नाम गौतम लाल मीणा है, ब्लॉक लसाड़िया उदयपुर ज़िले से हूँ, और हम यहाँ 27 दिन से धरने पर बैठे हैं, और हमें हमारे इंटरव्यू के द्वारा हमें लगाया, और इसी रोज़गार से हमारा पूरा परिवार चलता है, इस परिवार, और हमारे को इस रोज़गार पे वापस नहीं लगे तो हमारा परिवार हमेशा खड्डे में जा रहा है। सरकार से हमें यही मांग है क्योंकि हमें वापस इसी रोज़गार पे लगा दे। मैम, आप कहाँ से हैं, किस मांग को लेकर? भीलवाड़ा से। किस मांग को लेकर? राजीव गांधी युवा मित्र में वापस ले लिया जाए, बस हमारी यही मांग है। कितने दिनों से आप लगातार यहाँ पर? अभी मैं 2 दिन से घर गई हूँ, बाकी यहीं थी। किन किन समस्याओं का सामना कर? बहुत सारी समस्या, ठंड, बारिश वगैरह, हर चीज़ की समस्या है। देखिए, यहाँ प्रदेश भर के अभ्यर्थी अपनी मांग को सरकार के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार आपका 26 दिनों से प्रदर्शन जारी है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? देखो, लगातार हम 26 दिन से शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। पिछली बार भी जैसे हमारे 25 तारीख को एक ऑर्डर आया था कि आपकी कार्यवाही बहाल की जाती, मतलब निरस्त की जाती है। उसके बाद में हम 5 दिन यहाँ पे शहीद स्मारक के धरने पे आए, उसके बाद में सरकार से हमारी वार्ता हुई और हमें 7 दिन का आश्वासन दिया। उसके बाद में हमने 7 दिन के लिए धरने को समाप्त किया, लेकिन उसके बाद में हम 13 तारीख से लगातार 26 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ना तो बात करने के लिए तैयार है। सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है, मुझे लगता है। हमारे एक युवा साथी हैं जो लगातार यहाँ पे पिछले 20-22 दिन से धरने पे थे, और वो थोड़े हताश भी थे, उनके पारिवारिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी और वो चिंतित थे। कल वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, और सरकार को सोचना चाहिए, सरकार
कम से कम सरकार को एक बार वार्ता तो करनी चाहिए हम लोगों से। देखिए, तमाम अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े हुए हैं, वो लगातार पिछले 26 दिनों से अपनी बहाली की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर शहीद स्मारक पर अपनी मांग को मनवाने के लिए डटे हुए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी पिछले 26 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, पिछले 26 दिनों से आपका लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या सरकार से आपकी बात बनी? सर, हमारी अभी तक तो कोई बात बनी नहीं है। अभी सरकार ने, हम 26 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं। धरने में हमने बार बार एक ही बात बोली है, हम इतने परेशान हो रहे हैं, सर्दी से लेके बारिश से लेके हम लोगों की तबीयत तक ख़राब हो चुकी है। कल हमारे शाम को, हमारे एक भाई है ये इस धरने से परसों वो गए थे शाम को, और कल उनको टेंशन के मारे हार्ट अटैक आने से कल वो रात को एक्सपायर हो गए हैं। आप भी हमारे यहाँ से भाई गए हुए हैं, उनका दाह संस्कार का चल रहा है, अभी हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। पर हमारी भजनलाल सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है कि इनका कुछ होगा, हमको बिल्कुल टेंशन में दे रखा है। तो भजनलाल सरकार पता नहीं क्या चाहती है हमसे, इससे तो अच्छा ला के हमको यहाँ पे मार्केट पटक जाए ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। दुखी कर रखा है, कितने दिन हो गए कोई सुनाई नहीं ले रहा है हमारी। किरोड़ी जी से भी हमने बोला है, हर तरीके से हमने अपनी बात रख दी, शांतिपूर्वक बैठे हुए, पर कोई निर्णय नहीं आ रहा है इन लोगों का। अभी सर आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं हनुमानगढ़ ज़िले से आया हूँ सर, सुभाष बरोड। सर, मांग तो यही है राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करो, और अभी धरने के 27वां दिन और कार्मिक अनशन का 19वां दिन चल रहा है सर, अभी तक सरकार का मुआइंदा कोई हमारे पास नहीं आया है। ये तमाम अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर यहाँ पर पिछले 26 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पिछले 26 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, किन किन समस्याओं से आप? सर, हमें अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे सर्दी, शाम को हमारी बहनें यहाँ अपने बच्चों के साथ आई हुई है, विकलांग साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बारिश के अंदर हमारे सभी कपड़े हैं ओढ़ने पहनने के वो भी भीग गए थे। अभी लगभग 6 दिनों से, कई साथी तो ऐसे जो 6-7 दिनों से एक ड्रेस में ही बैठे हैं। भजनलाल सरकार से हमारी मांग है कि हमारा रोज़गार हमें वापस दे। हमारा ही बीच का साथी जो हमारे साथ विभाग में काम करता था, दोसा से राजकुमार, वो हमारे बीच यहीं संघर्ष के लिए 7 दिन रुके गया था, परसों ही वो यहाँ से अपने घर पे गया था। घर वालों को वो क्या मुंह लेके अपना मुँह दिखाए, इसके कारण वो सदमे में घर वालों के बीच जाने के बाद उसको कल शाम को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। हमें बहुत दुख है इस बात का कि हमारा एक साथी नौजवान जो रोज़गार के छिने जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भजनलाल सरकार से हम सभी युवा मित्र आस लगाए बैठे हैं कि हमारा रोज़गार आप जल्द से जल्द लौटा दें, अन्यथा हमारे बीच से हमारा कोई और साथी या बहन ऐसा इंजाम ना हो जाए कि सरकार को बाद में पछताना पड़े। हम गांधीवादी तरीके से 1 महीने से शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, हमें भाई के जाने के बाद ऐसा ना हो कि भगत सिंह बनना पड़े, सड़कों के ऊपर हमें खून बिखारना पड़े। अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम आक्रोश में आके सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं, विधानसभा का घेराव करने के तैयार हैं, चाहे हमें मुख्यमंत्री का आवास का घेराव क्यों ना करना पड़े। हम सभी युवा मित्र कोर कमेटी का जो आदेश होगा उसकी पालना के अनुसार हम आगे का धरना शुरू करें। ये तमाम अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े हैं और लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार पिछले 26 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार को क्या करना चाहिए? मैं सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से एक हमारा राजीव गांधी युवा मित्र साथी आज वो भगवान को प्यारा हो गया। उसके अभी शाम को 4 बजे के लगभग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। सरकार हो सकता है भी, सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो और भी साथियों की बलि भी जा सकती है, और साथी भी कुछ साथी मान ले जॉब चले के जाने के बाद तनाव महसूस कर रहे हैं। देखिए, तमाम अभ्यर्थी पिछले 26 दिनों से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सभी अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर 26 दिनों से इनका प्रयास जारी है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।